हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपसे कोई भी न्यू अपडेट मिस ना हो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि Xiaomi के MI A2 को लेकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन एक्साइटमेंट तब टूटी जब उनके प्राइसिंग के बारे में लोगों को पता चला। लेकिन Xiaomi अपने फैंस को ऐसे निराश नहीं करने वाला, तो फाइनली Xiaomi दे रहा है एक अल्टरनेटिव जो है MI A2 लाइट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MI A2 के लाइट के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। तो लेट स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करें इसके रेजोल्यूशन की। तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन और डिस्प्ले साइज़ की बात करते हुए हम बात करते हैं डिस्प्ले साइज़ की। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 5.84 इंच की डिस्प्ले, वहीं आपको रेजोल्यूशन मिलेगा 1080x2280। डिस्प्ले PPI आपको देखने मिल जाएगी 401, तो यानी कि फुल HD डिस्प्ले आपको दी जा रही है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डिस्प्ले में नॉच होने की बात तो कहीं पर भी कहीं नहीं है, सिंपल एक स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन होगा। उसके बाद बात करें इसके वेरियंट की, तो यहाँ पर आपको 3 वेरियंट देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया में 2 ही वेरियंट आएंगे, जो है 32 GB 3 GB और 64 GB 4 GB। तो ये 2 वेरिएंट इंडिया में लॉन्च होंगे। अगर मैं बात करूँ इनके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा 625 स्नैपड्रैगन का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो वर्क करेगा वो 8.1 ओरियो में। तो ये एक स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके और भी प्राइसिंग की, तो ये प्राइसिंग यहाँ पर आपको 14 से 16 हज़ार आपको पे करना पड़ेगा इन दोनों फ़ोन के लिए। अगर 32 GB की बात करूँ तब भी 14 हज़ार के अराउंड पे करना पड़ेगा, 15 हज़ार के अराउंड आपको पे करना पड़ेगा 4 GB 64 GB के लिए। तो कैमरा की बात करते हैं, तो कैमरा आपको देखने को मिलेगा 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा। यहां आपको अपर्चर देखने को मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर के साथ, तो कैमरा काफी अच्छा है। अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का, तो जिसका अपर्चर होगा 2.0 अपर्चर के साथ। तो ये फोन जो है काफी अच्छा है। लेकिन अगर मैं बात करूं बैटरी के बारे में, तो बैटरी होगी 4000 mAh की, जो कि 1000 mAh ज्यादा है MI A2 से। तो मैं ये बता दूं, ये MI A2 जो लाइट है, ये फ़ोन नॉर्मली अगर मैं आपको बात करोगे तो ये शायद आपको किसी ना किसी से मिलता जुलता लगेगा, आप अपने दिमाग में जोड़ डालेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन है मिलता जुलता Xiaomi के Redmi Note 6 Pro के साथ। तो यानी कि जो Xiaomi का जो 6 Pro था, वो सेम स्पेसिफिकेशन के साथ इन्होंने लॉन्च कर दिया है इंडिया में MI A2 लाइट के नाम से। तो लेकिन यार, लोगों को निराश नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ अच्छा दे सकते थे, नया दे सकते थे, स्नैपड्रैगन 630 या 632। लेकिन कोई बात नहीं यार, 625 भी दिया तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन प्राइसिंग अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से। इस फ़ोन को अराउंड 12 से 13 हज़ार के बीच में होना चाहिए था दोनों वेरियंट को। तो कोई बात नहीं, Xiaomi ने तब भी आपको अल्टरनेटिव दिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये अल्टरनेटिव आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द, और बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।